मुंबई असं शहर ज्या शहरामध्ये दाटीवाटीची लोकसंख्या आहे, आणि या दाटीवाटीच्या लोकसंख्येमध्ये रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर परिसरामध्ये किंवा इतर ठिकाणी जे आहे ते आणि फुटपाथवरती अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या जी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळते. याच अनधिकृत फेरीवाल्यांविषयी अनेक राजकीय पक्षांनी आंदोलन केली, अनेकांनी प्रयत्न केले, परंतु मुंबई आणि मुंबईकर जे आहेत ते फेरीवाल्यांपासून मुक्त झाले नाहीत. आणि हेच मुक्त व्हावेत यासाठी मालाडमधील काही नागरिकांनी प्रयत्न केले. त्यांची फुटपाथ जी आहे ती पूर्णपणे फेरीवाला मुक्त केली, आणि केवळ फेरीवाल्या मुक्त फुटपाथ नाही केली तर ती पूर्ण फुटपाथीचं सुशोभीकरण जे आहे ते करण्याचा प्रयत्न देखील त्यांनी केलेला आहे, आणि हेच आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. नमस्कार, मी निवृत्ती बाबर आणि तुम्ही पाहत आहे लोकसत्ता लाईव्ह. क्यों शुरू किया ये एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉकर्स और खराब एलिमेंट्स था, ड्रग एडिक्स और सब कुछ. और हम लोग यहाँ पे 1200 फ्लैट है भूमिपात में, और इतना सारा प्रॉब्लम था, तो हम लोग ने बीएमसी को ये किया कि हेल्प करने के लिए और पुलिस को भी साथ देने के लिए. फिर हम लोग का प्रॉब्लम फिर ठीक हुआ, और फिर हम लोग अडॉप्ट किया ये एरिया, क्योंकि उन लोग एक छोटा दुकान से उन लोग ने इतना बड़ा किया, और यहाँ पे सारा दिन रिक्शॉज ऐसा दूसरे लोग था जो बैड एलिमेंट्स था, तो और उन लोग के पास कुछ रात 12 बजे तक यहाँ पे था, तो ये सबसे खराब था, क्योंकि हम लोग को डर लगता था बाहर आने के लिए भी. 8 बजे के बाद किसी को भी नीचे बाहर आने के लिए बहुत डर लगता था, और सीनियर सिटीजन्स बच्चे कोई भी नहीं चल सकता था यहाँ पे. हम लोग का फुटपाथ पूरा वो लोग घेराव किया, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी था, स्कूल भी है वहाँ पे बिलाबोंग स्कूल, तो बच्चे को और डर था भी, ट्रैफिक इतना था, बीएसटी बसेस फुल स्पीड में जाता था, तो एक्सीडेंट्स भी होता था यहाँ पे, और यही प्रॉब्लम सब था. हाँ, हम लोग अडॉप्ट क्यों किया, क्योंकि एक वार्ड ऑफिसर ने बताया कि आप लोग अडॉप्ट करो और यहाँ पे ब्यूटिफाई करो, क्योंकि आप लोग सब अच्छे अच्छे लोग रहता है यहाँ पे, तो ये सब अच्छा बनाओ, पेंटिंग करो, जार्ड ट्री प्लांटेशन करो, फिर जार्ड भी फ्लावर पॉट्स भी लगाओ, और यहाँ पे एक्टिविटी भी करो, संडे स्ट्रीट्स जैसा दूसरा जगह पे होता है वहाँ पे आप यहाँ पे शुरू करो. ज़्यादा से ज़्यादा ये सब वार्ड ऑफिसर ने ही और उनका ऑफिसर्स पी नॉर्थ वार्ड, मलाड का पी नॉर्थ वार्ड है, तो फर्स्ट वार्ड ऑफिसर भी 5 साल पहला हेल्प किया, उन्होंने ये आइडिया दिया था अडॉप्शन के लिए, रविंद्र जैन सर, देवेंद्र जैन सर. और इसके बाद दूसरा भी वार्ड ऑफिसर आके गया, उन लोग ने भी हेल्प किया, पर बहुत सारा फॉर्मेलिटीज था कि हम लोग अडॉप्ट करने के बाद हम लोग मिसयूज़ करेगा, तो ये सब उन लोग पूछ रहे थे कि हम लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए वो अडॉप्शन का. हम लोग को एक्चुअली डिप्यूटी वार्ड ऑफिसर ने भी हम लोग को हेल्प किया, अंधेरी में जो था उन्होंने बोला कि आपका बिल्डिंग वाले लोग सब बीएमसी नॉर्म्स कर रहे हैं, मतलब हम लोग उधर कंपोजिटिंग सेग्रीगेशन ये सबसे ज़रूरी है,
और हम लोग 1200 फ्लैट का सबको सिखाया कैसा ड्राइड वेस्ट वेट वेस्ट सब डालने के लिए। फिर इसकी वजह से उन्होंने बोला कि जरूर इन लोग को देना चाहिए। हम लोग का बिल्डिंग में सोलर भी है, सोलर एनर्जी, फिर ये भी है STP, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं बिल्डिंग में। तो इसलिए BMC ने बोला आपको पहला ये फैसिलिटी देना चाहिए कि हम लोग ये सब हॉकर्स को हटाओ जो इधर ड्रग्स बेच रहे, उनको भी पुलिस लेके गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने सब कुछ ऐसा किया। नहीं, अभी बहुत सारे लोग दूसरा ALM दूसरा वार्ड से हम लोग को आके पूछता है कि आपने कैसा ये किया, हम लोग भी करना चाहते हैं कि ये हॉकर्स को हटाने के लिए हम लोग भी आइडिया दो कि। तो हम लोग बोला, और ऊपर से हम लोग खर्चा भी बहुत कर रहे हैं, हम लोग ने ये बाउंसर को भी रखा है, ये सब पेंटिंग हम लोग जो किया है हम लोग प्रोफेशनल किसी को बुला के किया, हम लोग का बच्चे लोग भी किया, सीनियर सिटीजन्स भी पेंटिंग किया, फिर भी काफ़ी खर्चा किया। मला हा माहिती आहे, कारण इतकी वर्षापासून मी इथं धंदा लावत होतो, इथं रोड पण नव्हता, हॉस्पिटल पण नव्हता, पण मी व्यवसाय करण्यानंतर मी फेरीवाल्यामध्ये येत नाही, त्याच्यानंतर आम्ही लोकांची सेवा करून आम्ही पोट भरतो आहे ना, आमच्या फेरीवाल्यामध्ये येत नाही। आणि 14 वर्षापासून मी इथं बसलेलो आहे, आणि सोसायटीवालीनं मला कॉपरेट बोलला इथं मी तुम्हाला जागा देते, मला त्यांनी जागा दाखवला, मला इथं बसवला। फेरीवाल्यांना जो हटवलं ना, त्याच्यानंतर हटवच्यानंतर त्यांनी स्वच्छता केली आणि सगळं एकदम त्रास होत होता, ट्रॉफिक वगैरे त्यांच्यामधून छान केला त्यांनी। आता फेरीवाला असणार बरोबर, आता ते तर पोट भरणारच आहे फेरीवाले पण, ते तर व्यवसाय करणार ना, ते पोट भरून ते घर चालवतं, ते फेरीवाला पण घर तर तेच परिवार साजरा तेच चालवतं ना फेरीवाला पण। ते साधन फेरीवाल्यांनी असं केलं पाहिजे, त्यांनी व्यवस्थित धंदा कायदेशीर करवला पाहिजे, केल्याच्यानंतर त्यांनी स्वच्छता ठेवायला पाहिजे। आता तुम्ही घाण वगैरे ग्लास इथं ठुकणार, तिथं सगळं गंदगी करणार, ते सोसायटीवाल्यांना काही बर्दाश्त झाला नाही, त्यांना तसं करावं लागला। छान केला त्यांनी, आणि माझ्यासाठी बी त्यांनी कॉपरेट केला आणि मला जागा दिली सोसायटीवाल्यांनी, बसून दिलं मला।